अफगानिस्तान में सरकार बनाने की गहमागहमी के बीच दर्जनों महिलाएं राजधानी काबुल की सड़कों पर उतर आईं और राष्ट्रपति भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सरकार में भागीदारी की मांग की है। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि नई सरकार की कैबिनेट में महिलाओं को भी शामिल किया जाए ताकि सबको बराबरी का हक मिले। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ जब कुछ दिन पहले ही तालिबान ने महिलाओं को सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही दुनिया भर में तालिबान के शासन में महिलाओं की हालात पर चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन शुक्रवार को काबुल से जो तस्वीरें सामने आईं उसमें महिलाएं काबुल के राष्ट्रपति आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करती हुई दिख रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही हर कोई पूछ रहा है कि तालिबान महिलाओं को कितनी आजादी देगा। इस पर तालिबान का कहना है कि उसका शासन इस्लामी कानून यानी कि शरिया कानून के मुताबिक होगा। हालांकि तालिबान ये नहीं बताता कि असल में इसका मतलब क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।